राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। और राष्ट्र जब ही सुरक्षित रहेगा जब देश का किसान और देश का जवान सुरक्षित होगा। एमएलए सब कुछ त्याग कर आया हूं मैं, आज किसी जात का नहीं हूं, किसी बिरादरी का नहीं हूं, मैं किसान हितैषी हूं, किसान का बेटा हूं, सिर्फ उसकी मदद के लिए जो मैं कर सकता हूं वो करने का कोशिश करता हूं। किसान की पीड़ा को लेकर आया हूं, मैं अपने प्रदेश हरियाणा में और हमारे जितने भी किसानों के संगठन हैं उन संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बना लिया और संयुक्त मोर्चे ने अपने अधिकारों के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए और उनसे अपील करने के लिए देश के किसानों को एक आंदोलन का रूप बन गया। जब हमें लगा कि हमारा किसान सड़कों पर, हमारी बहन बेटियां और हमारे बच्चे एक महीनों से ठंड में जिस हालत में गुजारा कर रहे हैं और जो हालत बन रही है वो देखी नहीं जाती, हम भी किसान के बेटा हैं, हमारी भी वो पीड़ा है, हमारी जमीन में और हमारी सोच में ये आया कि आज देश हित में यही है कि इस किसान को बचेगा इस देश का, अगर किसान कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा और देश कमजोर हो जाएगा तो आज हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश को जो किसानों ने, मजदूरों ने उनको चुनाव जिताकर भेजा है, वो एमपी हैं, जिस भी हाउस का मेंबर हो, चाहे वो राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। और राष्ट्र जब ही सुरक्षित रहेगा जब देश का किसान और देश का जवान सुरक्षित होगा। कि मैं पद एमएलए राष्ट्र कार्यकारिणी पद और पार्टी और नेताओं से सब इस्तीफा देकर, जो मेरा किसान के हित में मैं सब कुछ इस्तीफा देकर आया हूं, इस्तीफा मंजूर करना पार्टियों का काम है, स्पीकर का काम है, विधानसभा का काम है, वो जो फॉर्मेलिटी मेरी तरफ से हो सकती है मैंने पूरी कर रखी है, अब उनकी मर्जी है। मैं तो यहाँ एक किसान के बेटे के रूप में आया हूं और मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मैं कोई राजकारण नहीं हूं, मैं किसी पार्टी दल में नहीं हूं, सफलता नहीं मिल सकती। तो आज उन चीजों के मुद्दे कुछ रह गए, मैं तो सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि भाई मेरे जो किसान हितैषी लोग हैं, जो मजदूरों का हित चाहते हैं, और मैं अपनी धरती में बोल रहा हूं जहां मैं पैदा हूं, जहां मैं प्रतिनिधित्व किया मैंने, मैं सब चीजें पद पार्टियां दल और पद एमएलए सब कुछ त्याग कर आया हूं, मैं आज किसी जात का नहीं हूं, किसी बिरादरी का नहीं हूं, मैं किसान हितैषी हूं, किसान का बेटा हूं, सिर्फ उसकी मदद के लिए जो मैं कर सकता हूं वो करने का कोशिश करने आया हूं। सिर्फ जो कुछ आज किसान पीड़ा में है, किसान अपने अधिकारों की मांग कर रख रहा है, आज हम चाहते हैं कि आम जनता, किसान मजदूर ये चाहता है कि हमें न्याय मिल जाए, कोई राष्ट्र कमजोर ना हो, राष्ट्र मजबूत हो। हमने इस देश के लोगों ने तो बनाया इतना बड़ा सरकारें, सेंट्रल स्टेटों में किसने बनाई, गरीब मजदूरों ने बनाई, वो ये चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिल जाए, न्याय तो मांग रहे हैं और न्याय के लिए दूसरी कॉपी है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, पार्लियामेंट जो पास करता है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में जाता है, सुप्रीम कोर्ट का है कि को न्याय मिले, को न्याय से अछूता ना रह जाए, उसने सुप्रीम कोर्ट देखता है इन चीजों को उनको न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय मांग रहे हैं, देश का किसान न्याय मांग रहा है हर चीज से ऊपर उठकर और फरियाद कर रहा है। तो आप जी आज मैं ये कहने आया हूं कि सब किसानों को हर बात से ऊपर उठकर किसानों की जो मदद करना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब किसान और मजदूर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा तो देश मजबूत होगा।